8 जून को सियांग जिले के केरांग गांव में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 9 घरों के साथ साथ 9 अन्य भंडार भी जलकर राख हो गए। इस दुखद घटना में लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई और कई परिवार बेघर हो गए। अग्निशास्त्र के बाद आज आदिबानक कबांग यूथ विंग ने केरांग गांव के अग्नि पीड़ितों की सहायता के लिए आकाशदीप ईटानगर में एक दिवसीय स्वैच्छिक दान अभियान चलाया। मीडिया को संबोधित करते हुए आदिबानक कबांग यूथ विंग के अध्यक्ष जेम्स मसार ने अपनी सद्भावना पहल का अवलोकन साझा किया और जनता से उनके साथ नेक काम में उनका समर्थन करने की अपील की। मेरा नाम जेम्स मसार, हम आदिबानक कबांग यूथ विंग पफुम पारे का प्रेसिडेंट है और ये मेरा लैब में है हाबू ताली, वो ये मेरा जनरल सेक्रेटरी और ये बीजो ताली ना, ये भी हम लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर है। हम लोग मिलके आज यहाँ में ये केरांग बस्ती, आप लोग तो सुना होगा रिसेंटली वहाँ पे हम लोग सियांग डिस्ट्रिक्ट पे है, वहाँ पे रिसेंटली और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, आग जलाए ना पूरा 9 हाउसेस एंड 9 ग्रेनरी स्टोरेज ना, जहाँ हम लोग अपना चावल वो सब रखता है जल गया। उसके लिए हम लोग वो लोग को हेल्प करने के लिए हम लोग तरफ से कितना भी ना पब्लिक लोग को जो लोग सोचता है घर वहाँ नहीं पहुँच पाता है वो लोग को भी हम लोग मौका दे के यहाँ में हम लोग आज डोनेशन ड्राइव एबी के यू डूइंग पफुम पारे का टीम का तरफ से हम लोग रखा हुआ है। एस्टिमेटेड डैमेज कितना हुआ? एस्टिमेटेड डैमेज तो आप भी सोच के देखिए, 9 हाउस, मोस्ट ऑफ द हाउस वेयर मैंने हाफ बिल्डिंग, जैसे हम लोग आदि में होता है ना वुडन यूज़ करके बनाता है तो टीना रूप बना के, तो उसमें तो फार हाउस का तो मिनिमम बोले तो 2-3 लेक्स तो जाता होगा। और उसके बाद में तो ग्रेनरी स्टोरेज, वहाँ में तो हम लोग जितना माने साल भर का हम लोग जो खेती करके सामान और हम लोग का लोकल ऑर्नामेंट सब हम लोग वहाँ पे रखता है अपना ग्रेनरी स्टोर में, तो लोग सब जल गया। उसको भी एस्टिमेट आप लोग करें तो हम लोग तो अराउंड तो बोलेगा 30-40 लेक्स का तो गया होगा ना, वो तो हम लोग का जस्ट अंडर एस्टिमेट है लोकल बिल में बोलने से ना, इसलिए वो लोग हम लोग मदद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग का ये डोनेशन ड्राइव आज ही रखते हैं, आज ही है ना, या फिर आप दूसरा दिन भी रखेंगे? हम लोग का तो ये बार आज ही सिर्फ करेगा, क्योंकि हम लोग जितना भी आदि डोमिनेटेड एरिया है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ में हम लोग का यूनिट है, एबी के यू डूइंग टीम है, सब अपना अपना जगह में आज माने वन डे ड्राइव हम लोग कर रहा है। जैसे कि पासीघाट में पासीघाट का टीम कर रहा है, ईस्ट सियांग टीम, सियांग में सियांग का टीम, अपर सियांग में नामसाई तेजू, ऐसे होके हम लोग सब आज सिर्फ वन डे डोनेशन कैंप भेज रहा है, तो उसको हम लोग कल तक सब एपेक्स का हाथ में हम लोग भेज जमा करेगा जितना कलेक्शन हुआ है, तो वो लोग उसको रिलीफ को वो लोग पहुँचा देगा जहाँ केरांग विलेज में ना, उसे वही है। जो लोग यहाँ फिजिकली आके डोनेशन नहीं देख सकते हैं उनके लिए आप लोगों ने कुछ ऑनलाइन वगैरह? हाँ जी, हम लोग उसके लिए एक क्यूआर कोड, हम लोग जो एपेक्स का हम लोग का अकाउंट होल्डर है उसका क्यूआर कोड हम लोग शेयर किया है, और मैक्सिमम तो अभी आजकल का ज़माने में मैक्सिमम तो क्यूआर कोड में ही दे रहा है ना, और इसी में इतना गर्मी हर कोई तो नहीं आ पा रहा है, तो मैक्सिमम जो मतलब इतना का पब्लिक जितना वेल विजर है सब लोग क्यूआर कोड हम लोग से मांग रहे हैं, तो हम लोग को बेच रहा है, इसलिए वो लोग को भी हम बहुत थैंक्स देना चाहते हैं कि माने वो लोग नहीं आ पा के भी क्यूआर कोड से हम लोग को इतना मदद कर रहे हैं ना ऑनलाइन पेमेंट से, वो लोग को इस्लाम थैंक यू बोलना चाहता है। जी, डोनेशन कर चुका है ना जी, और जो लोग नहीं भी आए हैं उनके लिए कुछ मैसेज तो यही रहेगा कि माने हम वो बोलते आ रहा है हम लोग का ट्राइबल सोसाइटी क्या के लिए जाना जाता है पूरा समय से, जैसे कि हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं भले ही कुछ कितना भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, दूसरा का तकलीफ हम लोग बर्दाश्त करने नहीं सकते है ना, इसलिए हम लोग तोरा से भी तोरा कॉन्ट्रीब्यूशन एक दूसरे को करता है, ये सिस्टम को हम लोग कायम रखना है, कंटिन्यू करना है टू लेट द ह्यूमैनिटी सर्वाइव ना, ये आजकल का जमाने में आजकल तो ऐसे हो गया कि मैंने हर कोई इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, लेकिन वो हम लोग का आइडेंटिटी नहीं है, ट्राइबल आइडेंटिटी है, वी आर यूनिफाइड ना, भले ही कहीं से भी हो जो भी कम्युनिटी से भी हो ऐसे हो कि हम यूनिफाई होकर आगे से अरुणाचल वासी हम लोग जी रहे, तो उसका हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसका हम लोग आगे तक भी कंटिन्यू करते रहेगा, और बाकी हम लोग का सिर्फ नहीं है बाकी लोग भी जो भी डोनेशन ड्राइव जैसे कि कोई पेशेंट या कुछ कुछ करना है तो सब आके एक दूसरे को हेल्प करना है, तो जैसे बोलते हैं बूंद बूंद से सागर पड़ता है, आपका 20-30 रुपीज जब हम लोग का कलेक्टिव होगा देट कैन हेल्प ए फैमिली ना टू रीस्टार्ट देयर लाइफ अगेन, मेन जो वही है हम लोग तो वो लोग को पूरा तो 100% वी कैन माने कॉम्पेंसेट देम, बट हम लोग कर सकते हैं कि मारे एटलीस्ट वो लोग का दुख तकलीफ को हम लोग जितना हो सके हम लोग का तरफ से थोड़ा मिनिमाइज कर सके ना, वी नीड टू गिव देम सपोर्ट ना, क्योंकि अपनी का तो वो ऐसे ही है कि बाकी वो जैसे क्लाइमेट को तो हम तो खराब ही नहीं बोला, लेकिन जब घर जलता है आदमी क्या होता है, जितना भी गरीब हो
जितना भी खाना पीना नहीं मिले से भी एक होता है कि शाम को आएगा, हम घर जाएगा, वहाँ में हम आके जा आराम से रेस्ट करेगा, सोएगा, फैमिली ऊपर साइड बैठेगा। अगर वो ही नहीं रहा तो मैंने आदमी का मैंने जीने का वो मकसद ही खत्म हो जाता है ना, क्योंकि हर किसी को घर चाहिए होता है। हम आदमी सिर्फ नहीं, जानवर को भी चाहिए होता है। तो ऐसे घर जल गया, इसलिए हम आप लोग सबको अपील करता है, हम लोग का डोनेशन ड्राइव सिर्फ आज के लिए होगा। हम लोग आकाशदीप गंगा ईटानगर में हो रहा है, हम लोग का सुबह 9 AM से शाम का 5 PM तक होगा। तो जितना भी हो सके आप लोग जो भी ये चैनल को देख रहा है कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो आप लोग हमसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर QR कोड में भेजना चाहता है तो हम मेरा नंबर आप लोग को बता देगा, उसमें आप व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको QR कोड भेज देगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8415949702। तो एक बार फिर से ना 8415949702। आप लोग यहाँ पे भी हमको इंक्वायरी कर सकता है, अगर नहीं आ सकता है तो QR कोड मांग सकता है, हम आप लोग को भेज देगा। इसलिए आप लोग को वही अपील करता है कि मतलब जितना हो सके अपना साइड से कंट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है।